संकट संवाद में स्वागत है आप सभी का। आइए आज मैं बात करूं झांसी के अधिवक्ताओं के प्रांगण की, क्योंकि कचहरी प्रांगण में बैठा हूं और यहां का देखा जाए चुनाव चल रहे हैं। कुछ ही दिन बाद चुनाव यहां होने जा रहे हैं, जो कि हमारे बीच में एक ऐसे ही प्रत्याशी सामने आए जिनका नाम है सुनील कुमार पटेल, जो कि संयुक्त सचिव प्रशासन के ये अपना पद ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साथ साथ बता दूं दोस्तों, मैं इनकी तारीफ की, क्योंकि दूसरी बार इनको मौका मिला है। पहले भी कार्यश्रेणी के अंदर इन्हें अनेक कार्य कराए हैं कचहरी के प्रांगण में। आइए अगली आवाज होगी कि दूसरी बार मौका मिला है इनके सुनील कुमार पटेल जी को, कौन कौन से मुद्दों को लेकर दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं। सर नमस्कार, मार्केट संवाद में स्वागत है आपका। लेकिन सर पहला प्रश्न तो ये है आपका, जो कि आपको दोबारा मौका मिला है चुनाव लड़ने के लिए, पहली बार बात करें, पहली बार में आपको जो चयनित किया गया था उस कार्यश्रेणी को लेकर क्या क्या कार्य किया आपने? पिछली बार मुझे जिला अधिवक्ता संघ द्वारा पानी व्यवस्था वगैरह के लिए जो नैतिक जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसमें 4 नए वाटर कूलर लगवाने का प्रयास किया, और जो पुराने 4-5 वाटर कूलर खराब थे उनको सुधरवा कर चुस्त दुरुस्त करवाया, शौचालय व्यवस्था वगैरह साफ स्वच्छ करवाने की व्यवस्था किया, और जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्तागण थे उनको पेंशन वगैरह जो मिलती थी उसमें जैसे 1,000 रुपया था, तो उसको हम सभी जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी ने उसको वृद्धि करा के 1,200 रुपये करवाने का प्रयास किया, और जो दिवंगत अधिवक्ता थे उनके परिवारजनों को भी हम लोगों ने जो मिलने वाली पेंशन थी उसमें भी वृद्धि कराने का प्रयास किया। सर आपको दोबारा मौका मिला है संयुक्त सचिव प्रशासन की, अगर आप विजय होते हैं यहाँ के अध्यक्षता का प्यार सम्मान और वोट मिलता है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? इस बार जो भी नैतिक जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पुनः हम लोगों को, जैसे युवा अधिवक्ता साथीगढ़ हैं उन्हें सीनियर अधिवक्ताओं से जो केसेस वगैरह में हैं हम क्या सहायता दिला सकते हैं, और बार बेंच के बीच में जो संबंध है उसको किस मजबूती के आधार पर युवा साथियों को आगे बढ़ने में वरिष्ठ अधिवक्ता गणों से आशीर्वाद प्राप्त कर उनको आगे बढ़ाने में हम लोग जो भी नैतिक सहायता कर सकते हैं उसको करवाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद देते हैं सुनील कुमार पटेल जी को, जो कि संक्षेप में अपनी भाषा शैली के तरफ से अपनी भाषा शैली से संबंध में अपने विचार रखे, क्योंकि देखा जाए हमारे बीच में और भी जूनियर अधिवक्ता जी बैठे हैं, जानते हैं कि आखिरकार कितना विश्वास है भाई के ऊपर कि सुनील कुमार पटेल जी वाकई काम करा पाएंगे क्या नहीं। हाँ सर नमस्कार, कितना विश्वास है सुनील कुमार पटेल जी के ऊपर जो बात मार्केट संवाद चैनल से कही है? काम सुनील कुमार पटेल जी ने पिछली बार जो काम किया है वह बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, अगर इस बार अगर जीत गए तो जूनियर अधिवक्ता होंगे और भी प्रयास करेंगे जो उन्होंने कहा है उस पर। सर जी नमस्कार, आपको कितना विश्वास है सुनील कुमार पटेल जी के ऊपर जो कार्य इन्होंने पहले किए थे वाकई इस बार हो पाएंगे? अब इनको जो भी नई जिम्मेदारी मिलेगी उसको ये पूर्ण करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे, और पहले भी इन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये अपना जो भी काम करेंगे पूर्णतः इनको सफलता मिलेगी। वकील साहब आपका क्या कहना है पटेल जी के बारे में? सुनील कुमार पटेल जी हम लोगों के संघ के बहुत ही जुझारू वकील हैं, और विगत वर्षों में जो भी समस्याएं रही हैं उसके निराकरण के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त करी है। इस बार भी हम लोग पूरा सहयोग इनको दे रहे हैं जिससे ये इलेक्शन में जीत के आए, और वर्तमान में जो हम लोगों की समस्या है उसके निदान के लिए भी ये तत्पर रहेंगे। हम सभी को आशा है कि इसी प्रकार हम लोग जो भी बाधाएँ हैं यहाँ पर कचहरी में उसको दूर करने में अपना संपूर्ण सहयोग दें। कैमरा मैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद झांसी।